अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की 808वें उर्स के दौरान देश की ख्यातनाम हस्तियों की ओर से चादर पेश किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से ख्वाजा साहब की मजारी शरीफ पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए गए। ममता बनर्जी की चादर लेकर ऑल इंडिया उमेला बोर्ड के महासचिव शेख गुलाम रब्बानी अजमेर आए थे। पश्चिम बंगाल की जनता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से चादर पेश करने के बाद उनके द्वारा जायरीन और देश की जनता के लिए भेजे गए पैगाम को भी दरगाह शरीफ में पढ़कर सुनाया गया। ममता बनर्जी ने अपने संदेश में ख्वाजा साहब से देश में अमन चैन की दुआ मांगने के साथ ही देश में हिंसा और उपद्रव जैसे माहौल के खत्म होने की दुआ मांगी गई। देखिए, ये चादर जो है, हम सीधा बंगाल से यहाँ आए और ये चादर जो है हमने मैडम ममता बनर्जी जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उनकी तरफ से ये चादर पेश हो रही है और साथ साथ यहाँ पे जो हमारे हिंदुस्तान के अमन सुकून चैन शांति के लिए यहाँ पर दुआ की जा रही है और पूरे अहले वतन को, पूरे हिंदुस्तान भारत के वासियों को 808वीं ख्वाजा साहब की उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी ओर से कोई संदेश? मैडम ममता बनर्जी और पूरे बंगाल के आवाम की तरफ से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह का हालात जो अभी हिंदुस्तान में चल रहा है, जो हमारी भोली वाली जनता के ऊपर में, जो हमारे नोटबंदी की मार, तीन तलाक से जो वहाँ से ही करने किया गया और साथ साथ जितने भी GST की मार जो भोली वाली जनता के ऊपर में हुई है और फिलहाल जो अभी हम लोग CA NRC और NPR का जो मार हम लोग सह रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान ही नहीं पूरे कम्युनिटी ये इससे अफेक्ट हो रही है। आज 33 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आज प्रोटेस्ट में बैठी हुई है, छात्र आज आंदोलन में उतरे हुए हैं, तो उन सब की पूरे भारतवर्ष की शांति के लिए हम लोग यहाँ पे आज दुआ किए हैं और इंशाल्लाह हम लोग यही चाहते हैं कि बाबा से ये हमारी खास खसूसी दुआ है, फरियाद है कि जिस तरह का यहाँ पे हमारे जो आवाम के ऊपर में जो ज़्यादती हो रही है उसको वो बहुत जल्द ख़त्म हो और फिर से वही हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा भारत हमें वापस मिल जाए।